टॉप 10 एनिमे जिनको मैं वीकली वाइज फॉलो कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, स्प्रिंग तो खत्म हो चुका है, उसके साथ में जो जो एनिमे आए थे स्प्रिंग में वो सारे के सारे अभी तक तो एंड ही हो चुके हैं। और अभी ना इस महीने के अंदर ढेर सारे न्यू एनिमे रिलीज हुए, तो मैं जो जो एनिमे फॉलो कर रहा हूँ वीकली बेसिस पे उनके बारे में आपको इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो बिना कोई टाइम गवाए अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज के हमारे लिस्ट का पहला एनिमे है वन पीस। तो आपको मेरे रिसेंट वीडियो से पता चली गया होगा कि वन पीस को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। वन पीस की मांगा तो मैं वीकली बेसिस पे पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन अभी जो रिसेंट में एपिसोड आने वाले हैं इसलिए मैं उसको भी फॉलो कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा तगड़े आ रहे हैं। तो मैंने मेरे वन पीस के एक्सपीरियंस को लेकर एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, अगर आपने अभी तक वन पीस नहीं देखा तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 जॉम 100। तो इस वाले एनिमे के अभी बस 2 ही एपिसोड आए जो कि काफी ज्यादा बढ़िया थे और इन लोग का कॉन्सेप्ट मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इन लोग ने एनिमे के अंदर ब्लड की जगह कलर्स का यूज करा जो कि अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि होली खेल के आ रहे सारे के सारे ज़ॉम्बीज। इस वाला एनिमे का एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छा और इसकी सीरीज भी आने वाली नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो ओवरऑल ये वाला एनिमे मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा जाने वाला है। जहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता है तो सारे के सारे लोग डर के भागते, लेकिन अपना मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहा है भाई। उसको लगता है कि उसके 3 साल की छुट्टियां शुरू हो चुके हैं जब से सारे के सारे जगह पर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपको ये वाला एनिमे भी डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। नंबर 3 जॉबलेस रिकार्नेशन सीजन 2। तो गाइस मैं ना इसी का एनिमे का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ, जहाँ पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट दूसरी दुनिया में रिकनेक्ट हो जाता है। इसी टाइप के एनिमे मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने 90% इसे का एनिमे तो ऑलरेडी देख ही लिए होंगे। तो हाँ, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है इसे का एनिमे शो में से एक है, इसलिए मैं इसके सीजन 2 का काफी दिनों से वेट कर रहा था जो कि अभी फाइनली आ चुका है। इस बार एनिमे के अंदर भी अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो की काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है, लेकिन लास्ट सीजन में इन लोग की जो एंडिंग में फाइट हुई थी उसको देखने के बाद में मैं सीजन 2 का काफी ज्यादा वेट कर रहा था। नंबर 4 जुजुत्सु कायसन सीजन 2। जुजुत्सु कायसन के सीजन 1 के बाद में मैं इस वाले एनिमे से काफी ज्यादा अटैच हो गया था, इसलिए मैंने इस वाले एनिमे की मांगा लगभग खत्म कर ही दी है। लेकिन मांगा और एनिमे में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए मैं इस वाले एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन बात करें इस वाले एनिमे के लेटेस्ट एनिमेशन की, तो वो पुराने वाले एनिमे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो चलो अभी तक तो बस 2 ही एपिसोड आए, आगे चल के जब फाइट सीन्स होंगे तभी पता चलेगा कि इन लोगों ने एनिमेशन में क्या क्या चेंजेस करे। नंबर 5 डार्क गैदरिंग। तो इस वाले एनिमे को लेकर भी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला था अदर एनिमे से। अभी तो इस वाले एनिमे के बस 2 ही एपिसोड आए, बहुत टाइम हो गया था ऐसा कोई हमको हॉरर टाइप का एनिमे देखने को नहीं मिला था, इसलिए मैं इस वाले एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ। कब तक भाई सीनन इसे का एनिमे देखते रहेंगे। तो चलो ये वाला एनिमे एक हॉरर एनिमे होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है अपनी टेस्ट को, तो ये वाला एनिमे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नंबर 6 रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। तो इस वाले एनिमे के बाद ही क्या करें, इसके अंदर जो एक्शन है ना भाई, इसको देख के मेरे को एकदम से मजे आ गए थे, और बहुत टाइम से ऐसा कोई तगड़ा एक्शन वाला एनिमे मेरे को देखने को नहीं मिल रहा था, और इसको मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। और अभी तो सीजन 2 का पार्ट 2 आ चुका है, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस वाले एनिमे के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखने के बाद ही आप इस वाले एनिमे के तगड़े वाले फैन हो जाते हो, जहाँ पर गॉड्स और ह्यूमन के बीच में फाइट होती है, जिसको देखने के बाद में एकदम से मजे आ जाते हैं, इसलिए मैं इस वाले एनिमे को फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 7 माई यूनिक स्किल मेक मी ओवर पावर्ड इवन एट लेवल 1। तो इस वाले एनिमे के नाम से आपको पता चली गया होगा कि ये वाला एनिमे भी एक इसी का एनिमे है। इस वाले एनिमे के अभी बस 2 ही एपिसोड आए, और जिनको देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एनिमे अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यार इतने टाइम से इसी का एनिमे देख रहा हूँ, मुझे पता चली जाता है कि कौन सा एनिमे अच्छा जाने वाला है कौन सा नहीं जाएगा। तो अगर आप मेरी तरह इसी के एनिमे के फैन हो तो आपको ये वाला एनिमे डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, इसके अंदर भी आपको एक ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है। नंबर 8 बोन गो स्ट्रे डॉग्स। तो ये वाला एनिमे भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है, लेकिन इस वाले एनिमे का अभी सीजन 5 चल रहा है तो आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन इस वाले एनिमे के अंदर कॉमेडी और एक्शन इतनी अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए इस वाले एनिमे को लोग इतना पसंद करते हैं। आपने कभी ना कभी इस वाले एनिमे का नाम तो सुनना ही होगा, क्योंकि मैंने भी नाम सुन सुन के इस वाले एनिमे को देखा था। ये एक टाइप से ये वाला एनिमे एक अंडररेटेड एनिमे है, लेकिन इसके सीजन आ ही जा रहे हैं। अच्छा हुआ इन लोग ने सीजन 5 निकाला, इन लोग ने प्रोडक्शन बर्न ही कर दिया इस वाले एनिमे का। नंबर 9 एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस वाले सीजन के अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन इतने सारे ऐसे का एनिमे आए ना भाई नए नए, जिनमें से मुझे ना ये वाला एनिमे अच्छा लगा है। बाकी जो दूसरे एनिमे है आई गॉट रिकनेक्टेड एज अ वेंडिंग मशीन, वो थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा था। इन लोगों ने यूनिक बनाने के चक्कर में उस वाले एनिमे को कुछ अलग ही बना दिया, इसलिए मैंने जिस तरह से करके 2 एपिसोड देखे उसके बाद में मेरा शायद से मन करे उस वाले एनिमे को देखने का। तो छोड़ो, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा था, चलो बात करते इस वाले एनिमे की। तो अभी तक ना इस वाले एनिमे के 3 एपिसोड आए जो कि काफी ज्यादा अच्छे है, लेकिन जो पहला एपिसोड था ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट लगता है बाकी एपिसोड से। पहले एपिसोड में ऐसा लगता है कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट विलियम बनके सबको पेल लेगा, लेकिन बाकी जो 2 एपिसोड है उसमें ऐसा लगता है कि अपने मेन प्रोटैगनिस्ट की थोड़ी सी स्टोरी चेंज हो गई है, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैसे टाइम लेती है स्टोरी पिकअप करने के लिए। नंबर 10 ब्लीच सीजन 2 पार्ट 2। तो यहाँ पर तो मैं नंबर 10 पे स्वीट रिकार्नेशन रखने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि यार मैंने तो ब्लीच को इंक्लूड ही नहीं करा है। यहाँ पर मैंने सोचा था कि 2-3 नंबर पे ब्लीच रखूंगा और लास्ट में बोनस में स्वीट रिकार्नेशन डाल दूंगा, लेकिन छोड़ो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरी टॉप 10 लिस्ट
सीरीज कभी नंबर वाइज नहीं रही थी, वो तो सारे के सारे मेरे फेवरेट एनिमे रहे थे। तो लेटेस्ट के चल रहे ब्लीच के एपिसोड के बारे में बात ही क्या करें भाई, इतने तगड़े तगड़े एपिसोड आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि वन पीस और ब्लीच की अभी टक्कर ही चल रही है। लेकिन कंपेयर करें वन पीस से तो भाई ब्लीच काफी ज्यादा अंडररेटेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे बंदों ने ब्लीच अभी तक ट्राई नहीं करा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको ब्लीच को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो हर एनिमे का एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, जहां तक बात करें 90s के एनिमे की, तो ब्लीच का भी एनिमेशन स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं है और उसमें फिलर्स भी है। लेकिन जो लेटेस्ट में एपिसोड आ रहे हो काफी ज्यादा अच्छे, भाई फाइटिंग तो क्या ही बोले, एकदम चुम्बेश्वरी फाइट सीन्स है इस वाले एनिमे के अंदर। एक और एनिमे है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ जो कि है स्वीट रिकार्नेशन। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई लेटेस्ट एनिमे है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा तगड़ा है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको देखने का ट्राई करूंगा। तो चलो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।